सतीश सर। हाँ बोलो अर्जी सर, क्या हो सर? एक स्टूडेंट है, उसका क्वेरी है, तो उसकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पा रही है। क्या प्रॉब्लम है उसका? रिमोट ले लो ना। हाँ सर, इंडेक्स लिया था पर इंडेक्स पे कुछ तो इशू आ रहा है, तो जिसकी वजह से उसका स्क्रीन एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, और उसका जो प्रॉब्लम है उसकी फाइल पे ही प्रॉब्लम है। ओके, तो एक काम करो, क्रोम का रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करो। क्रोम का रिमोट, ये क्या होता है, इसका आइडिया नहीं मुझको। आइडिया नहीं तो आइडिया देने के लिए मैं हूँ ना, अब बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। ठीक है सर। जी हाँ दोस्तों, क्रोम ने भी अपना रिमोट डेस्कटॉप लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप किसी का भी प्रॉब्लम लाइव सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके क्लाइंट की क्वेरी है, जैसे मेरे स्टूडेंट की क्वेरीज रहती है, तो हम लोग उसे रिमोट लेके एनीडेस्क पे जनरली सॉल्व करते हैं, लेकिन एनीडेस्क नहीं चल रहा है तो क्रोम रिमोट डेस्कटॉप ये जो है एप्लीकेशन, इसकी मदद से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप कोई भी सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, अपने सिस्टम से उसकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं ना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सीधी बात, नो बकवास, मैं सतीश स्वागत करता हूँ आप सबका, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हमें क्रोम का रिमोट डेस्कटॉप यूज करना है, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको विजिट करना है आपकी स्क्रीन के ऊपर remotedesktop.google.com, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने विजिट किया है। और जैसे आप विजिट करोगे आपके ब्राउजर के अंदर, आप इसे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में विजिट कर सकते हैं, आप क्रोम ब्राउजर में विजिट कर सकते हैं। ये विजिट करने के बाद यहाँ पे सेटअप रिमोट एक्सेस के लिए यहाँ पे एक आपको डाउनलोड बटन दिखाई दे रहा है, सो डाउनलोड क्रोम रिमोट डेस्कटॉप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने यहाँ पे एक एक्सटेंशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहां से हमें ये क्रोम का एक्सटेंशन ऐड करना होगा। ऐड टू क्रोम पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड ऐड एक्सटेंशन। जैसे आप ऐड एक्सटेंशन यहाँ पे क्लिक करोगे, यू कैन सी कि ये एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, और ये आपको टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे आपको टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन बटन पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद जैसे आप डाउनलोड इंस्टॉल करोगे, इसमें रेडी टू इंस्टॉल करके इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, रेडी टू इंस्टॉल, यस। ये डाउनलोड होने के बाद रेडी टू इंस्टॉल एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप आ जाओगे डाउनलोड्स फोल्डर में, और इसको आपको डबल क्लिक करके रन करना होगा। सो प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्रोम रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉल हो रहा है। आपको करना क्या, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डाउनलोड फोल्डर आएगा, जहाँ पे हमारा क्रोम रिमोट डेस्कटॉप ऑलरेडी डाउनलोड है, और इसे हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे सिंपल स्टेप्स है इंस्टॉलेशन के दोस्तों। ओके, इंस्टॉल करने के बाद चूज अ नेम, जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया आपको नाम देना होगा आपके पीसी को, तो मैं यहाँ पे मेरे केस में नाम दे रहा हूँ मेरे पीसी को स्किल कोर्स। आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, मैंने हमारे एप्लीकेशन का नाम दे दिया। बेसिकली आपको पता रहेगा स्किल कोर्स नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर, नहीं पता है तो डाउनलोड इंस्टॉल कर लो, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे कोर्सेज सीख सकते हैं ISO सर्टिफिकेट के साथ, इन ऐप वीडियो डाउनलोड के साथ चेकआउट कीजिए अगर आप अपने लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो फिलहाल स्किल कोर्स के बारे में तो मैंने बता दिया। चूज अ नेम, यहाँ पे नेम चूज किया हमने और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एंटर अ पिन, तो यहाँ पे एंटर पिन में आपको पिन एंटर करना है, और ये पिन लगभग 6 डिजिट का होना चाहिए। ये पिन आपको शेयर नहीं करना है किसी के साथ, बेसिकली सीक्रेट पिन रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पिन ऐड कर दिया एंड स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही स्टार्ट करूंगा यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसे आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल कोर्स ऑफलाइन करके यहाँ पे ये पीसी आपको दिखाई दे रहा है अभी, राइट, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब सेम जिसका भी पीसी आपको एक्सेस करना है, उसे भी मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप क्या करो, सेम प्रोसीजर से remotedesktop.google.com पे जाकर आप इंस्टॉल करो। तो आरजे सर को रिक्वेस्ट करूंगा, आरजे सर आप ये इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल कर लिया आपने? हाँ सर, कर लिया। ओके ओके, ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले उनको बोला था हमारा टाइम वीडियो में बचाने के लिए, तो उन्होंने भी इंस्टॉल करके रखा है। सो नाउ हाउ टू गेट एक्सेस ऑफ दैट पीसी, जो है ना वहाँ पे कंप्यूटर या कहीं पे भी है, तो बेसिकली आपको क्लिक करना है रिमोट सपोर्ट बटन पे। यहाँ पे रिमोट सपोर्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है, रिमोट सपोर्ट ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे remotedesktop.google.com जिस पे जाएंगे आप। ऑलरेडी आपने पहले इंस्टॉल किया तो आपको ये रिमोट सपोर्ट ऑप्शन मिल ही जाएगा, राइट। उसके बाद आपकी स्क्रीन शेयर करनी है किसी और के साथ, तो शेयर दिस स्क्रीन, जनरेट कोड, आप अपना कोड जनरेट कीजिए। एक आपको कोड मिलेगा, जो कोड आप उनके साथ शेयर करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी को स्क्रीन एक्सेस करने के लिए देना है तो शेयर दिस स्क्रीन पे क्लिक करो और जनरेट कोड करो। तो यहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जनरेट कोड, और ये कोड मैं अगर उनके साथ शेयर करूंगा आरजे सर के साथ, तो वो मेरा पीसी एक्सेस कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं शेयर दिस स्क्रीन नहीं, नीचे आ जाता हूँ, कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कोड एंटर करना चाहूँगा अभी। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आरजे सर से कोड लेना पड़ेगा। आप वो आपका कोड जनरेट करके मुझे बताइए आरजे सर।
ओके सर, 9456 9456 5849 5014 5014. तो ये कोड उन्होंने शेयर किया है, कनेक्ट टू द अनदर कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कोड एंटर किया है, आई एम गोइंग टू कनेक्ट नाउ। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कनेक्ट करूंगा, आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है अभी? कुछ पॉपअप आया आपको आरजे सर? यस तो आरजे सर को एक पॉपअप आएगा, जिसमें क्या क्या है आपके स्क्रीन पे अभी पॉपअप में? वुड यू लाइक टू अलाउ आपका जीमेल आईडी आ रहा है टू सी एंड कंट्रोल योर कंप्यूटर। ओके, तो भाई जिसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी उसके कंप्यूटर पे आएगा कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन है जो आपका स्क्रीन एक्सेस करना चाहता है, आपको सपोर्ट देने के लिए आप अलाउ करेंगे तो ही स्क्रीन एक्सेस होगी। याद रखिए ये पूरा सिक्योर्ड है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाता हूं, आप अपना स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि मैं ऑडियंस को दिखा सकूं, राइट? तो वो जो बेसिकली है वो आपको एक ईमेल आईडी बताएगा कि भाई ये ईमेल आईडी वाला पर्सन है जो आपका पीसी एक्सेस करना चाहता है, क्योंकि आपने उसके साथ कोड शेयर किया। तो कोड शेयर आपने किया कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा भी कोड मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा तब तक वो एक्सेस नहीं होगा। तो ये पूरा सिक्योर्ड है। कोई भी एप्लीकेशन देखो, एनीडेस देखो, सब कुछ एप्लीकेशन जो रिमोटली है, जब तक आप उसे प्रॉपर यूज नहीं करते तब तक वो सिक्योर्ड है। आप किसी को भी अपना आईडी देते हो, किसी को भी अलाउ करते हो एक्सेस करने के लिए, तो प्रॉब्लम ही है, राइट? तो डोंट वरी, रिमोट के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम को हैक नहीं कर सकते। जब तक आप उसे परमिशन नहीं दोगे बेसिकली तब तक वो हैक नहीं हो सकते, राइट? तो अभी मैं उनको बोलूंगा कि आप एक्सेस के लिए परमिशन दीजिए मुझे, आरजे सर। तो अभी आपने एक्सेस के लिए परमिशन दी मुझे? यस सर, दे दिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर जैसे उन्होंने परमिशन दी, यहाँ पे मैं कुछ अलाउ बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं उनका स्क्रीन देख पा रहा हूँ। गाइज लुक एट हियर नाउ, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके स्क्रीन पे जो भी टेक्निकल इश्यूज है मैं यहाँ से उनका स्क्रीन एक्सेस करके सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख पाए, और उनके पास ऑप्शन भी रहता है, स्टॉप शेयरिंग नीचे ऑप्शन उनको मिल रहा है, वो स्टॉप शेयरिंग बटन पे यहाँ पे देखिए क्लिक करके डायरेक्टली मेरा जो स्क्रीन है देखने वाला वो बंद कर सकते हैं एक क्लिक से। ऐसा नहीं कि वो एक्सेस दिया मतलब हमेशा एक्सेस कर सकते हैं। स्टॉप शेयरिंग बटन पे क्लिक किया, ये लिमिटेड एक्सेस रहेगा, स्टॉप शेयरिंग करते ही है। और ये कोड भी है एक्सपायर हो जाता है, ये कोड दोबारा नहीं, जैसे वीडियो में आपने मेरा कोड सुना होगा, लेकिन आप उस कोड को टाइप करके मुझे कनेक्ट करने जाओगे तो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो रैंडमली जनरेट होता रहता है एवरी 5 मिनट्स के बाद। तो यहां पे उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कोड शेयर कर दिए तो दोबारा वो कोड काम करने वाला नहीं है। और स्टॉप शेयरिंग आपके पास ऑप्शन है, आपके पास सारे ऑप्शंस रहते हैं। अब मैं इनको आसानी से हेल्प कर सकता हूं, इनके सारा रिमोटली मैं इनका सिस्टम पूरा पूरा एक्सेस कर सकता हूं। यहां पे ढेर सारी चीजें हैं, मैं आपको करके भी दिखाता हूं। यहां पे देखिए उनके विंडोज पे मैंने यहां पे क्लिक करके रखा है, बाकी सारी चीजें नहीं दिखाऊंगा, उनका कुछ कॉन्फिडेंशियल काम चल रहा होगा। बट ये रिमोट क्रोम डेस्कटॉप है ना, इसमें एनीडेस की तरह थोड़ा ग्लीच वगैरह नहीं आता, ये प्रॉपर काम करता है। तो इसे आज ही इंस्टॉल करो, प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कि भाई आपने प्रैक्टिस की कि नहीं की। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट आप करते नहीं, वीडियो देख ले तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि भाई आप मेरे साथ चल रहे हो, वी आर ऑन अ सेम पेज, राइट? बेसिकली मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख रहे हैं। सो दैट्स इट गाइज। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको स्किल सीखना बहुत जरूरी है, और स्किल सीखने के लिए मैंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है स्किल कोर्स एप्लीकेशन, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे कोर्सेज सीख सकते हैं। सर्टिफिकेट के साथ आईओएस सर्टिफिकेट मिलने वाला है आपको, ढेर सारे कोर्सेज बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी चेकआउट कीजिए, आप अपने टाइम के हिसाब से सीख सकते हैं। ये एप्लीकेशन की खासियत है, इन एपीडियो डाउनलोड है, सर्टिफिकेट मिलेगा, और क्या चाहिए भी? सब कुछ है, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में जाकर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा ऑनलाइन सीखो घर बैठे बैठे। दिस इज माई रिकमेंडेशन, एंड गो एंड चेक इट आउट एप्लीकेशन, स्किल कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, लोगों को सिखाते रहना, स्मार्ट बनते रहना। बाय बाय गाइज़।